दोस्तों मिक्सर एक हर घर की ज़रूरत है। बिना मिक्सर के मसाला पीसना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है। बिना मिक्सर के सारे काम रुक जाते हैं, चाहे वो चटनी बनाना हो, चाहे मसाला पीसना हो, चाहे जूस बनाना हो, कुछ भी मल्टीपल चीज़ आपको ग्राइंड करना, तो मिक्सर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों इतना ज़्यादा ज़रूरी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मिक्सर मार्केट से परचेस कर लाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कौन सा मिक्सर अच्छा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी मिक्सर लाते हैं तो 1 साल की वारंटी 2 साल की वारंटी 3 साल की वारंटी वाले मिक्सर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड आते हैं जो नॉन ब्रांड होते हैं, बस कोई उनका ब्रांड का नाम नहीं होता, कुछ भी ब्रांड का लोगो लगा के दे देते हैं, आप परचेस कर लेते हैं, आपको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन मिक्सर होता है। 2,000, 2,500, 3,500, 3,000 के बीच में आपको अच्छा खासा मिक्सर भी देखने को मिल जाता है। बट आपको बता दूं, आप इतने हैवी मिक्सर ले लेते हैं 3 से 4 हज़ार के बीच में, बट आपका मिक्सर 1 से 1.5 साल में ही ख़राब हो जाता है, या फिर लीकेज करना चालू कर दिया, या फिर जो जार होते हैं मिक्सर के वो ख़राब हो जाते हैं, यहाँ से क्रैक हो जाते हैं। तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन मिक्सर बताने वाला हूँ कि मिक्सर में हम जब भी परचेस करें मिक्सर में क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, और क्या क्या चीज़ उसके अंदर देखें कि हमारा जो मिक्सर है लॉन्ग लास्टिंग चले, कम से कम 10 से 15 साल तो चले चले। दोस्त ये जो देख सकते हैं मिक्सर, इस टाइप का मिक्सर बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होता है, बहुत ज़्यादा फंटास्टिक होता है। ये जो आप मिक्सर का जार देख रहे हैं, ये चटनी जार है, ये जो आप जार देख रहे हैं ये जार हो चुका है अप्रोक्स 10 साल का पुराना। ये बहुत ऊषा कंपनी का, ऊषा कंपनी एक्चुअली बहुत ही पुरानी ब्रांड है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर कौन सा होता है। दोस्तों इंडिया में रहने वाले लोग बहुत सारे चीज़ कन्फ्यूज होते हैं कि हम अगर ऊषा का लेंगे, हैवेल्स का लेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो एक अलग टाइप का मिक्सर ढूंढते हैं कि उनको एक हैवी मिक्सर होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, अगर इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो भारत के हर कोने कोने में अलग अलग ब्रांड के आपको, अगर स्टेट बाय स्टेट देखेंगे तो अलग अलग ब्रांड के आपको मिक्सर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हैवेल्स फिलिप्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही किफ़ायती होता है और बहुत ही ज़्यादा रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप वही मुंबई महाराष्ट्र तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर प्रीति फिलिप्स हैवेल्स ऊषा ये भी मिक्सर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। या आप अलग अलग स्टोर में देखो तो अलग अलग ब्रांड वहाँ पर फेमस ब्रांड होते हैं जो लोग ट्रस्ट करते हैं और विश्वास पर खरीदते हैं। तो गाइस आपको बता दूं, ट्रस्ट वाली बात तो ठीक ही है, बट प्रोडक्ट क्वालिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी मिक्सर परचेस करें तो डिपेंड करता है कि आपके यूजेस क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मिक्सर खरीदने के बाद वो लोग उसमें वो सारा काम करते हैं जो मिक्सर में सब कुछ नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं मिक्सर खरीदने के बाद उसमें जूस भी बनाना चालू करते हैं, तो जूस परफेक्ट नहीं बनता है। आपको बता दूं, मिक्सर का काम होता है केवल मिक्सिंग ग्राइंडिंग करना, कुछ मसाला पीसना, कुछ आपको क्रश करना, ये सारी चीज़ के लिए होता है। अगर आप मिक्सर के साथ आपको लगता है कि जूस भी बनाना है, कंबाइंड वाला मिक्सर आते हैं जिसमें आपको जूस के लिए एक एक्स्ट्रा जार मिल जाता है देखने के लिए, उस टाइप का आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन बात है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी यूजर्स के लिए, कि जब भी मिक्सर परचेस करें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मिक्सर को हम परचेस कर लेते हैं, बाहर की बॉडी या फिर लुक वाइज उनको लगता है बहुत ही परफेक्ट है, बट जब भी हम लोड करते हैं मीन्स मिक्सर में जो भी मसाला या फिर कुछ भी सूखी चीज़ पीसते हैं, तो मोटर जलने के चांसेस होते हैं, मोटर जल जाती हैवी लोड उठा नहीं पाती है। ऐसा क्यों होता है आपको बता दूं, क्योंकि मोटर जो होती है दो टाइप की बनी होती है, एक होती है कॉपर की और एक होती है एल्युमिनियम की। गाइस कॉपर की जो होती है वो 100% परफेक्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, और जो एल्युमिनियम की होती है वो बहुत ही ख़राब होती है, लेकिन चलती है बट बहुत जल्दी जलने चांसेस होते हैं। तो आपको ये चीज़ देखना कि जब भी आप परचेस करें तो देख लें कि मोटर बाइंडिंग किस चीज़ की है, कॉपर की है या फिर एल्युमिनियम की है। वो कॉपर वाली होनी चाहिए, कॉपर बाइंडिंग होनी चाहिए, जिससे हम लंबे समय तक आपका मिक्सर चलेगा, लोड नहीं लेगा और बहुत ही हैवी, कितना भी हैवी पीसते हैं कितनी भी देर भी चलाते हैं मिक्सर तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद आपको देखना है कि बॉडी मटेरियल कैसा है, क्योंकि बहुत सारे जो बॉडी मटेरियल होते हैं प्लास्टिक बॉडी बना देते हैं, बहुत सारे ABS मॉडल आते हैं, तो अभी ABS प्लास्टिक जो होती है बहुत ही किफ़ायती होती है, जो आप धूप में रखें, छांव में रखें, कहीं भी रखें, अगर गिर भी जाता है ऊपर से जल्दी से टूटता नहीं है, काफ़ी मजबूत प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको ABS बॉडी वाला मिक्सर ग्राइंडर परचेस करना चाहिए। गाइस तीसरी बात आती है मिक्सर की जार की, अगर जार आप देख कर ले रहे हैं कि किस टाइप का वो जार चाहिए। नॉर्मली मिक्सर में 3 जार होते हैं, एक चटनी जार होता है, एक लिक्विड जार होता है, एक जूस जार होता है, जिसमें जूस वगैरह जो भी सूखी चीज़ होती है उसमें सारी चीज़ें हम ग्राइंड करते हैं। तो हम बता दें, जार जब भी लें तो एयर टाइट वाले जार होने चाहिए, जो एयर टाइट के लिए ऑप्शन दिया होता है वो, यहाँ पर एक इस टाइप की रबर होती है वो अच्छे से है कि नहीं है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। आपके घर में अगर आपने यूज किया होगा तो काफ़ी समय बाद यहाँ पर जो मेटल होता है ये क्रैक हो जाता है, फट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मेटल जो होता है ये स्टेनलेस स्टील का नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ का बना होता है, इसके लिए यहाँ से फट जाता है और ये चीज़ें हो जाती है। प्लस इसके बाद आपको और एक चीज़ देखना है कि जो
मिक्सर का नीचे का बेस होता है वो भी जल्दी से ख़राब हो जाता है। मीन्स इसका जो बेस होता है ये आप देख सकते हैं जो यहाँ से टूट जाता है, जो आपको जार पूरा चेंज करना पड़ता है। ये भी चीज़ देखना कि प्लास्टिक कैसा है, ABS प्लास्टिक है कि नहीं है, बहुत ही मजबूत होना चाहिए, वो चीज़ बहुत देखना ज़रूरी होता है। जब भी मार्केट आप जाएँ तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी देखना होता है कि हम ये सारी चीज़ें देख लें जिससे परफेक्ट हमें एक मिक्सर परचेज करने में आसानी हो पाए। तो मैंने बहुत सारे लिंक जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है और आप देख सकते हैं सारे मिक्सर्स रखे हुए हैं जो 1000 से लेकर के 1500 या 2000 के बीच में बहुत अच्छे अच्छे मिक्सर्स हैं। आप वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं या फिर आपके नियर बाई जो मार्केट होगा वहाँ भी जाकर परचेज कर सकते हैं, जिससे काफ़ी बेहतरीन आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बट आपको बता दूँ जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई वो सारे बाइंडिंग मोटर जो रहेंगे कॉपर वाले रहेंगे, जो आप अच्छे से परचेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नई वीडियो पे, थैंक यू।